हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, वहां जाके आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। ये हमारा था चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। ये क्या था? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ था। यहां से 116 फीट की दूरी पर स्थित दो आदमी फोटो खिंचाते हैं। यहां से जो आदमी जमीन से कितना हाथ ऊपर करके खड़े हैं और उसके ऊपर हाथ खड़ा कर रखा है 6 फीट, यानी टोटल 6 फीट जो है जमीन से ऊंचाई है। और ये जो है आगे कैमरा रख रखा है, कैमरे से फोटो खिंचवाते हैं। और ये जो चित्तौड़गढ़ है ये पूरा इनके हाथ के अंदर आ जाता है। अगर आपने वो वाला शॉर्ट्स नहीं देखा था, आप पहले उस शॉर्ट्स को देख ले ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो ये 6 फीट जमीन से ऊपर यहाँ हाथ खड़ा करके फोटो खिंचवाते हैं, जो अपने विजय स्तंभ से कितने दूर है, 116 फीट की दूरी पर स्थित है। और ये जो कैमरा है जमीन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमारा सीधा सा क्वेश्चन था कि ये जो हमारा विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितने फीट है, ये आपको बताना था। तो सबसे पहले सिंपली आप देखेंगे ये 45 डिग्री है, ये एकदम स्ट्रेट है, यानी कितना है, 90 डिग्री। ये 90, ये 45, तो ये कितना कोण होगा, एक ट्रायंगल बन रहा है या त्रिभुज बन रहा है। ये 45, ये 90, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये भी 45, ये भी 45, और ये कितना हो जाएगा, 90। 45 और 45, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यह आपके चीजें दिमाग में हो जानी चाहिए। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने ये एंगल बताए थे 45, 45 और 90 डिग्री। इस तरीके से अगर ये एंगल दे रखे तो इनके जो साइड का रेशियो, जो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, 1/√2 होगा। क्या होगा? 1/√2 होगा, यानी 45 के ये 45 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, 1 के रेशियो में होगी। 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा किस रेशियो में होगी, 1 के रेशियो में होगी। उसके बाद में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री सामने वाली कौन सी, ये वाली भुजा, ये कितनी होगी, 2√2 के रेशियो में होगी। तो ये तीनों चीजें तो आपके दिमाग में आ जाएगी। अब हमारा एक फॉर्मूला है रियल बटावा, जो रेशियो दे रखा वो इंटू जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है उसका रेशियो, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, रियल बटावा रेशियो इंटू फाइंड रेशियो, जो फाइंड रेशियो का वो करना उसका रेशियो हमारे को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले रियल वैल्यू कौन सी है, रियल वैल्यू 6 फीट है। रियल वैल्यू कितनी देर की है, 6 फीट दे रखी है। डिवाइड बाय रेशियो कितना दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 1। भाई ये 6 फीट है, 6 फीट का जो रेशियो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो नीचे कितना लिखना है, उसका रेशियो 600 फीट किसके बराबर है, 1 के बराबर। हमें क्या याद करना, हमें ये वाली देखनी, ये कितनी है, ये वाली लंबाई, ये भी 1 के बराबर। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से भाग 2, 1 से मल्टीप्लाई करो, वही संख्या आती है, यानी ये कितना आ जाएगा, 6 फीट। हमने कौन सा ज्ञात कर दिया, 1। 1 कौन सा ज्ञात किया, ये। इसका मतलब यहां से जो यहां तक की दूरी है वो कितनी है, 6 फीट है। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 6 फीट है। यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया, यहां से यहां तक की 6 फीट, और यहां से यहां तक की कितनी है, 116 फीट। 116 और 6 कितना हो जाएगा, टोटल 116 6 122 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122 फीट हो जाएगा टोटल। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 122 फीट हो जाएगी। 116 तो यहां तक, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6 फीट होगी। तो यहां तक तो आपका कंप्लीट होगा। अब आप देखते हैं 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के लिए ये क्या काम करेगा ये ट्रायंगल में। ये तो देखो एकदम 90 है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, स्ट्रेट जमीन से सीधा खड़ा है। उसके बाद में आप देखोगे तो ये तो हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। जहां लंब और आधार दे रखा होगा, किसका काम पड़ेगा, हमसे टेन थीटा का काम पड़ेगा। टेन को कितना है, टेन, थीटा की वैल्यू कितनी देर की, देखिए इसके लिए थीटा की वैल्यू देर की है 45 डिग्री। कितनी देर की है, 45 डिग्री देर की, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तो आपके दिमाग में है ही है। तो हमारा यहाँ भी ये रेशियो बन रहा है, देखिए ये तो 90 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री, 90 है 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 45 45 90 और 90, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास में 180। कितना हो जाएगा टोटल, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। इस तरीके से अगर अपने को भुजा दे, अपने एंगल दे रखे, तो भुजा क्या होगी, 1/√2। 45 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी,
ए के रेशियो में होगी, 45 के सामने वाली भुजा ये 45, इसके सामने वाली भुजा किसके रेशियो में होगी, ए के रेशियो में होगी, 90 के सामने रूट टू के रेशियो में होगी। हमें चाहिए ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, ए के बराबर है। तो हमें ये इस फॉर्मूले से ए की वैल्यू निकाल देंगे, किस तरीके से निकलेगी देखिए, देखिए यहां से यहां तक ये अब टोटल दूरी कितनी है, 122 फीट। कितना फीट है, 122 फीट है। वो किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो किस अनुपात में, ए के अनुपात में। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक ए, क्योंकि 45 के सामने वाली भुजा किसके अनुपात में होगी, ए के अनुपात में होगी। यहां से यहां तक किसके बराबर है, ए के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये अपना जो विजय स्तंभ है इसकी ऊंचाई, और इसका अनुपात भी 45 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 45 के सामने एक होती है, तो ये भी कितना होगा, एक। यानी एक और एक से गुणा करो चाहे एक से भाग करो, क्या होगा, वही संख्या आएगी, यानी 122 फीट आएगा। 122 फीट क्या आ गया, 105 जो है विजय स्तंभ की ऊंचाई होगी, जो रियल में भी क्या है, 122 फीट ही है। जो हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे सीखेंगे नए वीडियो में नया टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।